आपको नमन करके वंदन करके आपका अभिनंदन करके ये नन्हा सा अल्हड़ सा बालक राजनीति की रणभूमि में कदम रखने जा रहा है। ये राजनीति की रणभूमि सज धज कर तैयार हो चुकी है, मेरी प्रतीक्षा में मुझे बुला रही है। आज आपकी अनुमति के लिए आया हूँ, अनुमति इसलिए आपका मार्गदर्शन लेने आया हूँ, आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ, आपका मार्गदर्शन आपका आशीर्वाद आपकी अनुमति इसलिए क्योंकि ये राजनीति आसान नहीं, चुनौतियों से भरा हुआ रास्ता है, मुसीबतों की ये डगर है। यहाँ उन लोगों से टकराना होगा जो अपनी राजनीतिक सांठ रखते हैं, जो इस राज्य को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं, उनसे मुझे टकराना है। इसलिए मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। हे पारस, मैं जब भी भयभीत होता हूँ, जब भी मैं विचलित होता हूँ, जब भी मेरा मन उदास हताश निराशाओं से भरने लगता है, मैं आपको स्मरण करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है आप मेरे साथ मेरे पीछे ढाल बनकर खड़े हो, आप चट्टान बनकर खड़े हो, आप हमारी आस्था, आप हमारा इतिहास हो, आप हमारा भूगोल हो, आप हमारी संस्कृति, आप हमारी पहचान हो। हे पारसनाथ, आप मेरी ढाल हो। मैं चाहे वो भ्रष्ट पदाधिकारी रहे या भ्रष्ट नेता मंत्री रहे या कोई अनैतिक कॉरपोरेट हो, मैं कभी भी उनसे आँख से आँख मिलाने से नहीं डरता हूँ, मैं नहीं घबराता हूँ और ना ही मैं इस बात की चिंता करता हूँ कि मेरा क्या होगा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे पीछे मेरी ढाल बनकर चट्टान बनकर पारसनाथ पहाड़ आशीर्वाद दीजिएगा अपने इस अल्हड़ से बालक का। ये राजनीति की रणभूमि में कदम रखने जा रहा है, मेरे कदम रखने मात्र से ही ये रणभूमि में थर थर कपकपी उठी है, क्योंकि वे लोग नहीं चाहते हैं कि राजनीति की रणभूमि में मेरे कदम पड़े, मेरे पदचाप पड़े, क्योंकि वो लोग ऐसे लोग हैं जो अपनी सत्ता को खोना नहीं चाहते, अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए तमाम संपत्तियों को एकत्रित करना चाहते हैं और गरीब आदमी को और गरीब में धकेल देना चाहते हैं। और ऐसे लोगों के बीच मैं सामना करने जा रहा हूँ, ऐसे लोगों से आँख मिलाने जा रहा हूँ। वो कभी नहीं जाएंगे कि राजनीति की रणभूमि में मेरा उदय हो, लेकिन मुझे मालूम है मेरे साथ पारसनाथ पहाड़। इसीलिए मैं लड़ा हूँ, इसीलिए मैं अड़ा हूँ, इसीलिए मैं निडर हूँ, निर्भीक हूँ, इसीलिए मैं आज आपके बीच आपका आशीर्वाद ये अल्हड़ सा बालक आज आपसे अनुमति आशीर्वाद मांगता है, आपके संरक्षण की आवश्यकता है। लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग मुझ पर नजर लगा कर बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि आप उनकी नज़रों से मुझे बचाएं, मैं चाहूँगा कि जो लोग मुझ पर नज़र रखते हैं आप उन पर नज़र रखें। पारसनाथ, मैं ये प्रार्थना करता हूँ, मैं मानता हूँ कि राजनीति की राह आसान नहीं, लेकिन उस राह पर किसी को चलना होगा, उस राह पर किसी को चलना होगा, चाहे अपना बलिदान ही क्यों ना देना पड़े। जो सामाजिक समरसता की बात करते हैं, जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जो गरीबों के हक अधिकार की बात करते हैं, उन्हें इस राजनीति की रणभूमि में पग धरना ही होगा। पारसनाथ, हे गौरव पहाड़, हे मरांग गुरु, आपका आशीर्वाद लेने ये अल्हड़ सा युवा आज राजनीति के गलियारों में कदम धरने जा रहा है। कदम धरने मात्र से ही सुबुघाट हो चली है, आज मेरे हौसले को मजबूत कीजिएगा, मुझे दोगुनी ताकत दीजिएगा और बस यही कहेंगे मेरा ढाल बन के खड़ा रहिएगा। इन बुरे लोगों से जिनसे मेरी लड़ाई है, वो मुझे नेस्तनाबूद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मुझे पूर्ण आशा है कि जब तक आप ढाल बन के खड़े हो, जब तक आप मेरे संरक्षण में खड़े हो, मेरा एक बाल भी कोई उखाड़ नहीं पाएगा। ये मुझे पूर्ण आशा है, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। हे पारसनाथ, सत सत नमन, बारंबार अभिनंदन, कोटि प्रणाम, नमन करते हैं। आप हमारा इतिहास, आप हमारा गौरव, आप हमारा भूगोल, आप हमारी पहचान, आप हमारी आस्था, आप हमारा अभिमान। जोहार पारसनाथ, जोहार मारांग गुरु, जोहार गौरव महाराज।